विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की ये कला है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, नक्की काय होते, एग्जैक्टली व्हाट टू हुम, एग्जैक्टली व्हाट टू हुम यानी निश्चित क्या हो रहा है और किसे हो रहा है। तो देखोगे शरीर गर्म हो गया है, शरीर में कंपन हो रही है, तो ये शरीर को हुआ है, मुझे नहीं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, सभी इस वक्त आंखें बंद करके बैठें, स्वयं के अंदर झांक कर देखें कि आपके भाव क्या हैं, इस क्षण आपके अंदर फीलिंग कैसी है, विचार क्या चल रहे हैं, और स्व संवाद अपने बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, सब अच्छा चल रहा है या उलझन है। देखें आपके भाव, आपके विचार, आपके स्व संवाद आपस में मेल खा रहे हैं कि नहीं। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे परमात्मा, मेरे भाव, विचार, वाणी और कर्म सब अखंड हो जाएं, एक हो जाएं, ताकि मेरे मन से संघर्ष समाप्त हो जाए, अंतर्द्वंद विलीन हो जाए। ऐसी मनोदशा मेरी सदा बनी रहे, मैं यह शुभ इच्छा रखता हूं। कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जो सोचते हैं वही आपकी वाणी में, स्वसंवाद में आता है और वही भावना आप महसूस करते हैं और उसी अनुसार बिना लाभ हानि की चिंता किए, बिना मान अपमान की बात सोचे आप एक दिशा में काम करते हैं, तब आप राम हैं, इस समझ के साथ, स्वयं के साथ वार्तालाप करें कि कैसा जीवन जीना है और उसी जीवन के लिए प्रार्थना करें।
विश्व के सारे लोग ऐसा ही अखंड जीवन जी पाएं, ऐसी कामना शुभेच्छा सबके लिए प्रसारित करें। ईश्वर से दुआ मांगें यह सभी के साथ संभव हो जाए, ताकि संघर्ष की वजह से होने वाली बीमारियां, अंतर्द्वंद की वजह से होने वाले रोग समाप्त हो जाएं। इंसान कभी स्वयं को पुरुष कहता है, स्त्री कहता है, कभी स्वयं में रावण का दर्शन करता है, राम का दर्शन करता है, कभी हिंदू बनकर, कभी मुसलमान, कभी सिख ईसाई, भिन्न भिन्न लेबल लगाकर काला गोरा, होशियार समझदार बुद्धू लंबा नाटा कहकर अपनी पहचान बदलते रहता है। तो अपनी पहचान स्वयं के लिए एक बनाए, लोगों को कहने के लिए जो हम सबको समझ में आए उसी भाषा में बात करें, लेकिन स्वयं के साथ सच्चाई के अनुसार बात करें, जो आपकी हकीकत है। इस अज्ञान को पहले समझ लें, इस अज्ञान का ज्ञान प्राप्त करें। जो अज्ञान का ज्ञान है वह है पहला ज्ञान। अज्ञान का ज्ञान पहला ज्ञान। अज्ञान की वजह से इंसान सोने की लंका में रहना चाहता है। सोने की लंका यानी सोते रहने की व्यवस्था, बेहोश रहने का माहौल। तो इस सोने से मुक्ति प्राप्त करें। बाहर के न्यूज़ विज्ञापन देखकर खुद को बता पाएं कि सोने की लंका वाले लोग आ गए हैं, मुझे सजग रहना है। आपकी सजगता बनी रहे, आपकी लक्ष्मण रेखा आप पहचान लें। श्रवण सेवा भक्ति में हमें स्थापना मिले, स्थित प्रज्ञता प्राप्त हो। चांद के अक्ष जब पानी के अलग अलग गड्ढों में अनेक लगते हैं, तब समझदार ऊपर देखता है। आप भी अपनी चेतना ऊपर उठाएं, सत्य जानें। अज्ञान खत्म तो झगड़ा खत्म। चांद को लेकर, सूरज को लेकर, तारों को लेकर आपस में होने वाला भेदभाव, धर्मों का झगड़ा समाप्त होता है। सच्चाई जाने, ऊपर देखें। हे परमात्मा, सभी विश्व के मनुष्य एक सच्चाई जान लें और भाईचारे के साथ आपस में रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना के बाद तपर्पण करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वो आगे के कार्य में जाएं। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वो अवश्य बैठें, एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आइए सब ग्रहणशील होते हैं। सिर्फ अपने आप को याद दिलाना, सवाल पूछना है, ये क्रोध किसको आया है और क्या हो रहा है क्रोध में, शरीर पर क्या हो रहा है। खाली देखेंगे, साक्षी बनकर, गवाह बनकर देखेंगे।
ये कला है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, नक्की काय होते, एग्जैक्टली व्हाट टू हुम, एग्जैक्टली व्हाट टू हुम यानी निश्चित क्या हो रहा है और किसे हो रहा है। तो देखोगे शरीर गर्म हो गया है, शरीर में कंपन हो रही है, तो ये शरीर को हुआ है, मुझे नहीं। और मैं कौन हूं पर जाओगे तो देखोगे वो कंपन खत्म होने लग जाएगी। तो ऐसा हर बार कर करके क्या होगा, देखोगे आप मुक्त हो गए, सभी विकारों से मुक्त हो गए, दसों विकारों से मुक्त हो गए, रावण के दसों चेहरों से मुक्त हो गए। कैसे मुक्त हुए, क्योंकि आप हर बार जब भी विकार जागा आप जागृत हो जाओगे कि ये किसको हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अलग हो पाओगे। उसमें सबसे मुख्य बात कमल क्या है, हमारा कमल हमें मिले, कमल की तरह हमारा जीवन हो, जो पानी में है कीचड़ में है मगर पानी की एक बूंद को भी अपने ऊपर टिकने नहीं देता, फिसल जाती ना बूंद नीचे। तो संसार में भी है ते संसारी भी हैं मगर कीचड़ से बाहर हैं। कमल का अर्थ बताया कुल मूल लक्ष्य, महंगा सौदा पहले हुआ था अब उस सौदे को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करना है, दुकानदार को अपना कुल मूल लक्ष्य बताना है, हमारा ये लक्ष्य है, हमारे उद्देश्य से टैली नहीं हो रहा है, चावल और सूखी सब्जी टैली नहीं हो रहा है तो आप कैंसिल करवाते ऑर्डर, अभी नया ऑर्डर देना है, नई प्रार्थनाएं करनी है, नई प्रार्थनाएं होगी नई चीजें हमारे जीवन में आएगी। शिविर हमारे जीवन में आया, कुछ प्रार्थनाएं हुई इसलिए आया ना, तो आगे की भी बातें ऐसे ही आने वाली हैं। प्रार्थनाएं हम सही दिशा में करें, पहले खुद को व्यक्ति मानकर करते थे प्रार्थनाएं मगर अब खुद को जानकर प्रार्थनाएं हो ताकि अगली सीन आए। क्योंकि कुलमूल लक्ष्य का पहला हिस्सा है स्वयं पर जाना, दूसरा हिस्सा है सेल्फ की अभिव्यक्ति हो पाना, सेल्फ सेल्फ पर जाए और फिर उसकी अभिव्यक्ति हो पाए, उसके गुणों की अभिव्यक्ति। तो क्रोध सेल्फ का गुण नहीं है, हिंसा सेल्फ का गुण नहीं है, नफरत सेल्फ का गुण नहीं है, ये तो व्यक्ति के है, ये तो व्यक्ति चालीसा है, हनुमान चालीसा नहीं है। ये व्यक्ति के 40 चोर हैं, व्यक्ति के 40 चोर होते हैं, हनुमान चालीसा वो भक्ति के साथ है। प्रेम सेल्फ का गुण है तो प्रेम की अभिव्यक्ति हमारे द्वारा हो तो आप कुल मूल लक्ष्य पर काम कर रहे हो। तो दिन भर देखना मैंने कुल मूल लक्ष्य पर कितना काम किया, 10 मिनट भी ध्यान करने के लिए दिया गया है, 10 मिनट यानी मिनिमम, कम से कम इतना ही करना, ऐसा नहीं कहा मिनिमम कम से कम। अब क्लियर है ना, सेल्फ सेल्फ पर जाए तो आप आसानी से आंख बंद करके बैठोगे और जो बताया गया है वो ध्यान करोगे और खुशी से करोगे, वो बोझ नहीं लगेगा, खुशी से करोगे। कूली भी बोझ उठाता है और जो अपना शरीर बना रहा है वो भी बोझ उठाता है, मगर एक को व्यायाम लगता है, अभिव्यक्ति लगती है और एक को बोझ लगता है, तो बोझ ना लगे। इस तरह हम कार्य करने वाले हैं कि असली लक्ष्य क्या है इसके पीछे देखा, शिफ्टिंग मिल गई, शिफ्टिंग को क्या एक्शन लगता है, क्या पीछे देखना है, पीछे जो है वो खेल देखो तो आनंद आएगा, फिर उस आनंद से जो भी होगा उसमें सेल्फ की अभिव्यक्ति होगी तो कुल मूल लक्ष्य पूरा होने वाला है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नाउ एंड न्यू माइंड ट्रेनिंग ध्यान शिविर, वर्तमान मन
और होने में होना, योर प्रेजेंस इज प्रेजेंट होने जा रहा है शनिवार 25 मार्च 2023 सुबह 6 से 9:30 और पुनः प्रसारण रविवार 26 मार्च 2023 दोपहर 1 से 4:30। तो इस ध्यान शिविर के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें